हेलो एवरीवन, ओके सो हमने क्वेश्चंस कुछ 47 तक क्वेश्चन वो पहले डिस्कस कर लिए थे पहले सेशन में, उसको कंटिन्यू करते हैं. ओके ये चंडीगढ़ एनटीएससी का स्टेज वन का जो मैट का एग्जाम मैट का क्वेश्चन पेपर था उसका 47 तक जो हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके सो 48th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ईच लेटर हैज, तो इसमें कुछ चीजें जो आपको आइडेंटिफाई करनी है. ओके सो एक तो ईच लेटर हैज यूनिक वैल्यू. सो हर लेटर की वैल्यू यूनिक है और हर लेटर का एक डिजिट है. और इसने ये बता रखा है E4 है, ये भी बता रखा है E4 है. तो देखो मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको. E की जगह 4 लिख लेता हूं, T H और E की जगह 4 है, E तो 4 दे रखा है, और LOSS ये अब ऐड करना है. तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ S. ठीक है, तो चलो चेक करते हैं. पहली बात कि L, देखो कोई भी टू डिजिट एडिशन में, अगर थ्री डिजिट में थ्री डिजिट ऐड करेंगे और फोर डिजिट बन रहा है तो फोर्थ डिजिट पक्का 1 होगा. ओके इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, तो ये पक्का 1 बनेगा. राइट, एल क्या होगा, 1. क्यों, क्योंकि कोई भी, अगर यहां 9+9 भी ले लूं तो 9 9 18, मैक्सिमम कैरी 1 आ सकता है, तो 9 9 18 1 19 तो भी 1 ही कैरी आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा डिजिट सिर्फ 1 ही आ सकता है. तो एल पक्का आपका 1 है. ओके अगर एल 1 है, ओके तो यहां पे अब हम देखेंगे. ओके क्या पॉसिबल है, L हो गया 1 प्लस क्या करेंगे. अच्छा यहां पे देखो एक और मिल गया हमें, 1 प्लस T करेंगे और कैरी 1 आए. कैसे पॉसिबल है ये, दो केसेस, या तो यहां 8 हो कि 1+8 9 और एक 1 कैरी आया हो तो वो पॉसिबल है, या यहां 9 हो. तो मैं दोनों केस करके दिखाता हूं आपको. एक केस में मैं ले लेता हूं 1 4, ये 1 है ये 4, और T की वैल्यू ले लेते हैं 8. एक केस में ले लेते हैं 8 और एक केस में ले लेते हैं 1 4 9 टी की वैल्यू. राइट, T9. तो अगर T9 है, यहां पे H है, यहां पे 4 है, ओके यहां पे 8 है, H है, 4 है, और यहां पे 1 0, ओके O है ये, SS 1 O SS. अब देखते हैं वैल्यूज. ओके इस केस में 8 और 4 12, 8+4 12, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 2. तो 2 अगर आ गई, 1 कैरी. ओके 1 कैरी है आपका, और ये भी 2 होगा, ये वाला एस भी 2 होगा अब, क्योंकि यूनिक वैल्यू है. तो 4+1 5, 5 से 2 बनाने के लिए एच की वैल्यू 7, तो 5+7 12, 2 1 कैरी, 1+1 2 and 8 10, ओके 0, तो ये 0 हो जाएगा, O की वैल्यू 0. तो इस केस में सारी यूनिक वैल्यू आ रही है. ओके यहां पे मेरी सारी यूनिक वैल्यू आ रही है 1. ओके ये वैल्यूज हो गई, L की वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू 0, S की वैल्यू 2 और H की वैल्यू 7, T की वैल्यू 8, ओके L की वैल्यू 1. तो आपकी सारी वैल्यूज ऐसे मेरे पास आ रही हैं, तो मैं आंसर यहां पे कर सकता था. 9 को चेक कर लेते हैं, 9+4 13, S 13 3 होगा, 1 कैरी, 1 4 5, यहां भी 3 होगा, 5 में 8 ऐड करेंगे, 1 4 5 8 13 3 1, अब 1+1 2 2+9, यहां भी 1. अब प्रॉब्लम क्या हुई, L भी 1 था, O भी 1, यूनिक वैल्यू नहीं आई. L और O दोनों सेम हो गए, L और O दोनों ही 1 आ गए, यहां भी 1 है यहां भी 1. राइट, तो ये गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब S की वैल्यू जो हमने इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की थी, S की वैल्यू 2 करेक्ट आंसर है. राइट, वैसे भी S की वैल्यू 3 चॉइस में नहीं थी, वहां 3 आ रहा था, तो यहां 2 आ रहा था, तो 2 ही पॉसिबल है. बट हमें सारी वैल्यूज मिल गई है अब. ओके सो वैल्यू ऑफ
तो क्या है ये 148 प्लस 874 1022, राइट। अगर ये क्वेश्चन थे 48 से 51 तो अब आप सबके आंसर कर सकते थे, एल ओ एस एस टी इन सब की वैल्यूज आपको पता है, राइट ओके। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैं आंसर कर सकता हूं क्योंकि आगे सारे क्वेश्चंस जो थे जैसे वैल्यू ऑफ एच वो हम निकाल चुके हैं, ओके। एच की वैल्यू 7 आई थी, वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू तो पक्का ही 1 थी, वैल्यू ऑफ टी आपने वैल्यू ऑफ टी निकाली वो 8 करेक्ट आ रही थी, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनटीएसई इज 58, ओके। एक बार इनके सबकी पोजीशन वैल्यू को ऐड करके देखो, 14 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 5, देखो कितना आ रहा है, 19, 5, 24, 24 and 20, 44, 44 and 14, 58, बिल्कुल ठीक है। तो सम पूछा हुआ है, राइट, सम सीधा ही कर दो, 16 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 5, तो 19, 19, 38, 58, 63, 69, 79 आ गया, राइट। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, हर एक अल्फाबेट का अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है, उसका नंबर पता है, तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब की बार है ओ एम 195, ओ कितना है 15, एम कितना है 13, 15 इंटू 13 कितना होता है 195, तो यहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, रैम का सीधा प्रोडक्ट करो, 18 × 1 × 13, 18 × 3 = 54, 18 × 1 = 18 and 5 = 23, सो 234 करेक्ट आंसर, ओके। इस पहले सम था, इस बार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें हमें देखना है ये कैसे बन रहा है, 3 × 4 × 4, ये इंटू का मतलब यहां इंटू होना जरूरी नहीं है, ये क्या है कि एक तरह से दिया हुआ है कोई भी सिंबल, बट इससे 82 कैसे बनेगा वो आपको देखना है। चलो देखो फिर कैसे हो सकता है, ओ यस, देखो ये क्या था, ये काफी काफी लॉजिकल था, इसमें क्या था कि ये 3 + 4, तो 3 + 4 ये वाला पहला और लास्ट वाला, 3 + 4 = 7 × 4 कितना बना 28, अब 28 को उल्टा लिखा हुआ है, 28 ऐसे लिखा हुआ है, 28 को उल्टा करके, तो यहां पे भी देखो फर्स्ट और लास्ट क्या है 9 + 4, सो 9 + 4 = 13 × 3 = 39, 39 को उल्टा करके लिखा है 93, यहां तो तीनों ही सेम है, 7 + 7 = 14 × 7 = 98, 98 को उल्टा करके लिखा है, तो यहां क्या होगा 5 + 7 = 12, 12 × 8 = 96, 96 को उल्टा करके लिखेंगे 69, राइट। पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड किया, बीच वाले से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, (4, 6, −12) = 3, देखो आप पूछा क्या हुआ है ये चीज, तो यहां से शुरू करो कि ये कैसे बनेगा, तो यहां से देखो, यहां पे ओके 12, 3, देखिए जरा 15, ओके देखो 12 + 3 ये कितना है 15, इसका तिगुना और एक ज्यादा कितना हो गया 46, ये है
अब इसमें देखो ये 12 और 9, 12 प्लस 9 ये कितना आया 21, इसका ट्रिपल प्लस 1 कितना बना 64, वो भी है। तो यहां भी वही करते हैं 3 प्लस 6 ये बना 9, इसका तिगुना प्लस 1 तो कितना बनेगा 28, तो 28 आपका करेक्ट आंसर। ओके चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमें आंसर देखने पड़ेंगे, यहां से हमें सिर्फ क्या करना है इनको पहचानना कौन सा आंसर। चलो देखते हैं, अच्छा दिए हुए हैं आंसर हर एक स्क्रीन पे, तो यहां से इन तीनों में क्या रिलेशन है बताओ कौन से वाला है। बेवरेजेस, टी, कॉफीज। बेवरेजेस तो दोनों ही हैं, राइट। अब टी और कॉफी आपस में बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन होगी, राइट। क्यों? क्योंकि बेवरेजेस दोनों हैं बट टी और कॉफी का आपस में कोई वो नहीं है, टी इज डिफरेंट, कॉफी इज डिफरेंट। ओके सो इट शुड बी सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ओके वेन डायग्राम में आपको इनका रिलेशन वेन डायग्राम के थ्रू देखना होता है कि कौन सा सेट बनेगा। ओके नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पॉलीगन। पॉलीगन तो दोनों ही है और ट्राइंगल रेक्टेंगल बिल्कुल अलग अलग है, फिर से वही हो गया, फिर से वही थ्री। पॉलीगन सारे हैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल आपस में अलग है, फिर से वही थ्री ऑप्शन। ओके पटियाला, पंजाब, गुजरात। पटियाला जो है वो पंजाब के अंदर है, पंजाब स्टेट, पटियाला उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है और गुजरात अलग स्टेट है, तो कौन सा होगा वो फोर्थ ऑप्शन। पटियाला पंजाब के अंदर और गुजरात अलग, राइट, तो फोर्थ ऑप्शन यानी के डी। ओके आसान थे काफी। चलो अब ये देखते हैं, सिक्स फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड इन अ मैनर दैट नो टू एडजेसेंट फेसेस हैव द सेम कलर। तो उनको पेंट कर दिया बट एडजेसेंट फेस अलग अलग कलर से किए, मतलब अगर एक तरफ रेड है तो दूसरी तरफ रेड नहीं होगा। ओके द थ्री कलर यूज्ड आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब वो कहता है एडजेसेंट पे सेम नहीं है तो तीन ही कलर यूज किए, तो कैसे होंगे, यानी कि ऑपोजिट फेस होंगे, तो दो ऑपोजिट रेड, दो ऑपोजिट ग्रीन और दो ऑपोजिट ब्लू, राइट, तभी हो सकता है एडजेसेंट ना टच करे, अदरवाइज एडजेसेंट टच कर जाएगा, एडजेसेंट हो जाएंगे सेम कलर के, वो नहीं करना, राइट। देन द क्यूब इज कट इन टू 36 क्यूब्स इन अ मैनर दैट 32 क्यूब्स आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड 4 क्यूब्स आर ऑफ बिगर साइज। ओके अब थोड़ा सा ध्यान से कि अब की बार 64 क्यूब्स नहीं बने हैं बट 36 है, 36 क्यूब नहीं है किसी का, राइट। तो 36 क्यूब्स बनाए कैसे, मैं अगर इसको आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ओके क्यूब बना के दिखाता हूं, पहले बड़ा क्यूब है एक, ओके ये एक बड़ा क्यूब है, इसमें ऑपोजिट फेस मतलब इसके बैक वाला जो फेस होगा वो सेम कलर के होंगे, इधर सेम कलर के होंगे। अब इसको छोटे क्यूब्स में कट किया, ओके देखते हैं, लेट्स से छोटे क्यूब्स में कैसे कट किया, मैं ऐसा कर लेता हूं, ऐसा कर लेते हैं इधर, वन टू देखो मैंने इधर क्या किया कि इस साइड तो आपके जैसे ये दो दो क्यूब निकलेंगे, दो नीचे दो ऊपर दो ऊपर दो ऊपर, ये आठ क्यूब हैं, इसके बैक में चार रो है तो 8 × 4 32 स्मॉलर क्यूब निकल जाएंगे, राइट। इधर
इस साइड देखूं तो मैं ऐसे कट कर दिया सिर्फ, तो क्या हुआ, सिर्फ चार क्यूब निकले, एक ये ऊपर वाला, एक वो, तो इधर चार और इधर 32, सो 36 क्यूब कट कर दिए, राइट, कुछ ऐसी कटिंग है। तो ये बड़े क्यूब हो गए चार और ये छोटे क्यूब हो गए 32, राइट, क्लियर है। तो अब सोचते हैं उस क्यूब के बारे में, ओके, ईच बिगर क्यूब हैज नो रेड फेस, बिगर क्यूब का रेड फेस नहीं है, राइट, अगर बिगर क्यूब का रेड फेस नहीं है, अब ये और प्रॉब्लम है, बिगर क्यूब का कोई रेड फेस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ओके, देखें जरा, बिगर क्यूब अगर इधर है तो रेड फेस तो वो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कट किया, ये तो और समस्या हो गई, क्योंकि यहां तो ये कलर उधर आएगा, ये कलर इधर आएगा, ये कलर इधर आएगा, तो तीनों कलर इसमें कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, तो ऐसे भी नहीं कट किया उसने, इसका मतलब कुछ और ही तरीके से उसने कट किया, राइट। तो अगर मैं मान लूं, चलो सारे टोटल क्यूब्स होते तो ऐसे होते, ओके, टोटल बनते तो 64 बनने थे। अब मैं ऐसा ले लेता हूं, रेड क्यूब मान लेता हूं, रेड कौन सा फेस है, ये वाला फेस लेट से रेड है, ये वाला फेस, और इसके इधर वाला फेस रेड है, ऐसे वाले रेड है, तो आपने रेड को लेना नहीं है, तो कौन से क्यूब हो सकते हैं, चार बड़े क्यूब, तो ये वाले हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको कौन से क्यूब अब हो सकते हैं, ये वाले, इसको बड़ा क्यूब बनाओ, राइट, ये वाला जो इधर है, जो इसके पीछे है, जो ये नीचे वाला है और उसके पीछे है, मतलब जो बीच में रहेंगे वो चारों बीच में डबल साइज के हो गए, यहां नहीं कट लगाया, साइड में छोटे क्यूब काट दिए, साइड में छोटे क्यूब काट दिए, 16 इधर से निकल गए, 16 इधर से निकल गए, 32, जो बीच में रही दो लेयर उनका चार ही क्यूब काटे, तो अब रेड नहीं बनेगा, राइट, अब कोई रेड नहीं बनेगा, मैं रेड इधर, इस पे कोई रेड नहीं आएगा, ओके, सो हमारा ये वाला, ये एक क्यूब है, राइट, ऐसे, ये एक क्यूब है, ऐसे ऐसे चार क्यूब्स हैं, राइट, ये बीच वाली लेयर में, ओके, चलो अब उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब उसके क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स इन ऑल हैव रेड फेस, तो रेड फेस कितने क्यूब्स का होगा, देखो रेड तो उन बड़े क्यूब्स को छोड़ के सब में ही रेड फेस था, क्योंकि छोटे इधर 16 लग गए और इधर भी 16 लग गए, 4 into 4, 4 into 4, ये देखो ये वाले 16 के 16 क्यूब्स पे रेड फेस है, उस पे भी 16 के 16 क्यूब्स पे रेड फेस है, तो 32 के 32 क्यूब पे रेड फेस लग गया, राइट, तो 32 आंसर आएगा, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड, सिर्फ एक फेस कलर कितनों का होगा, एक फेस कलर, अब देखो जरा इसको ध्यान से, एक फेस होता है जो जो फेस पे हो और एज पे ना हो, ये बीच वाले तो देखो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाले क्यूब तो जो बड़े बड़े क्यूब हैं उसका दो फेस, उसके भी दो फेस, इसके भी दो फेस, सबके दो फेस विजिबल होंगे, तो ये तो हो नहीं सकते, और ये जो कॉर्नर्स पे है ये भी नहीं हो सकते, तो बीच में चार क्यूब इधर होंगे और चार क्यूब इस साइड भी होंगे, जो सेंटर में चार क्यूब होंगे ये वाले, राइट, ये वाले चार क्यूब जो बीच में होंगे, चार क्यूब वो सिंगल फेस पेंटेड होंगे, तो चार इधर चार उधर, तो आठ क्यूब ऐसे होंगे
जिनका सिर्फ सिंगल फेस पेंटेड होगा, राइट ओके, तो इसमें आएगा 8, ओके सो हमारा आंसर हो जाएगा 8, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेस पेंटेड, अब 3 फेस पेंटेड तो कॉर्नर ही होते हैं, कॉर्नर तो 8 के 8 हैं उसमें, 3 फेस पेंटेड कौन से होते हैं, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स तो 8 ही रहेंगे, तो इसका आंसर तो फिक्स है, राइट 3 फेस पेंटेड तो कॉर्नर्स के अलावा हो ही नहीं सकते, और कॉर्नर पे 3 फेस पेंटेड होते हैं और कॉर्नर 8 ही होते हैं किसी क्यूब के, ओके हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 2 फेस पेंटेड, ओनली 2 फेस पेंटेड, पहले तो आप वो चारों क्यूब ले लो बड़े वाले, राइट बड़े वाले, ये देखो बड़े वाले चारों क्यूब जो होंगे उनके 2 ही फेस पेंटेड होंगे, राइट अब बाकी वाले, अब ये जो एज पे आएंगे ये 1 और ये 1, ये 2 क्यूब होंगे क्योंकि कॉर्नर नहीं लेने, कॉर्नर पे 3 फेस पेंटेड है, तो 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, तो इधर कितने आएंगे, 2, 4, 6, 8, 8 इस साइड होंगे तो 8 इधर भी होंगे, इस साइड भी 8 होंगे, तो 8 इधर 16, 16 और 4 ये, तो 20, 20 क्यूब होंगे जो 2 साइड पेंटेड होंगे, राइट 20 क्यूब, तो इस केस में 20 क्यूब हमारे पास आंसर आएगा जो 2 साइड पेंटेड होंगे, राइट ओके आंसर इज बी 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम रोहित इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉक, इसको बनाकर करना शुरू कर दो, रोहित क्या है वेस्ट में फेस कर रहा था, वेस्ट आप अगर नॉर्मल उससे लो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो वो इधर फेस कर रहा था, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, अब वो इधर देख रहा है, राइट प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है ये, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 180 डिग्री, 180 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में हो, 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट, अब वो इधर देख रहा है फाइनली, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, राइट काफी आसान था, पहले 45 डिग्री मुड़ा फिर 180 डिग्री मुड़ा, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ओके सो आंसर बी नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, राजन मूव्स 3 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, चलो यहां से चलाते हैं उसको 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही मूव्स 4 मीटर इन द ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 3 और 4 का हाइपोटन्यूज 5 होता है, तो 5 मीटर आंसर, राइट 3 और 4 का हाइपोटन्यूज 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस, राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 व्हीकल्स आर पार्क्ड इन अ सिंगल रो, आफ्टर द फर्स्ट कार देयर इज 1 स्कूटर, आफ्टर द सेकंड कार देयर आर 2 स्कूटर्स, आफ्टर द थर्ड कार देयर आर 3 स्कूटर, हाउ मेनी स्कूटर्स आर देयर इन द सेकंड हाफ ऑफ द रो, ओके जस्ट सी, वो कह रहा है 36 और पहले क्या है, एक कार है एक स्कूटर है, देयर इज 1 स्कूटर, फिर दूसरी कार है फिर 2 स्कूटर, राइट फिर थर्ड कार 3 स्कूटर्स, राइट तो ऐसे करके है और टोटल कितनी है 36 व्हीकल है, तो देखो अगर मैं यहां कहूं कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे चल रहा है कॉम्बिनेशन, राइट तो या फिर ऐसे कह लो कि 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2, नाउ 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 ऐसे, तो अगर n कार्स हैं, अगर n कार्स हैं तो उसके साथ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, यानी कि सिग्मा n वो n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है, तो ये मिला के टोटल 36 होना चाहिए, राइट अप्रोक्सीमेट, अगर पूरे पूरे कार स्कूटर आ रहे हैं तो देखे जरा,
या फिर ऐसे गिनने की बजाय हम सीधा गिन ही लेते हैं, 36 है, बहुत छोटा सा नंबर है। ऐसा सोचो कि पहले 1+1 ऐसे बनाने की बजाय ऐसे ही करो, ये कार्स हैं और ये स्कूटर, तो 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 5, 6, 7, राइट, यहां तो 1-1 होता रहेगा, तो ये कितना होगा, 7 तक का सम क्या होता है, 7 × 8/2, 28, राइट, ये 10, 15, 21, 28, 28+7, 35, फिर एक कार आएगी, तो 36 कार ऐसे होंगी, स्कूटर आगे वाले नहीं होंगे, 36 व्हीकल होंगे, ओके। तो सेकंड हाफ देखते हैं, सेकंड हाफ मतलब पीछे से 18, तो 1 और 8, 1, 8, 9, 9 और 7, 16, 16 के बाद दो स्कूटर आ जाएंगे, तो दो स्कूटर यहां से होंगे और 6 ये और 7 ये, हमें क्या बताना है, सेकंड हाफ में स्कूटर 2, 6, 8 और 7, 15, 15 स्कूटर होंगे। आप बना के भी देख सकते थे, बट आप वो स्कूटर बनाने की बजाय ऐसे लिख लो, 2 स्कूटर, 3 स्कूटर, 4 स्कूटर, राइट, तो आपको पता लग जाएगा 36 में, तो काफी आसान था क्वेश्चन, राइट, आप उसको आराम से देख के लिख सकते थे, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो बी 15, विच वर्ड कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम रिकमेंडेबल, ओके, ये तो आसान सा है, कौन सा नहीं बन सकता वर्ड, आप इसमें देख लो कौन सा नहीं है, COMENDOR, दो ओ चाहिए, यही नहीं बन सकता, ये आंसर, इसमें दो ओ चाहिए ना, दो ओ कहां से लाओगे, एक ओ है, राइट, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, ओ सी ऑप्शन कह रहा है ये, ऊपर कुछ गड़बड़ किया हमने, दो ओ चाहिए थे वैसे, देखो तीसरे में क्या है, अच्छा सी में तो जी दे रखा है, इसमें जी दे रखा है, जी तो है ही नहीं ऊपर, तो आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, अदरवाइज होता क्या है, जैसे दो ओ चाहिए तो दो हो होने चाहिए उसमें वर्ड में भी, अब यहां पे तो एक जी आ गया, जी तो इसमें है ही नहीं, अल्फाबेट ही नहीं है, तो आप सी आंसर मार्क करोगे, राइट, ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मैं चलूं तो सी आंसर होगा, अदरवाइज लॉजिक तो ये कहता है अगर यहां दो ओ थे तो दो ओ होने चाहिए वहां पे, राइट, उसी के उतने ही लेटर आपने लेने होते हैं जितने वहां पे गिवन हो, बट चलो यहां पे जी है तो हम यही मार्क करेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई विल टेक इट एज ऐसे ही आया था, तो यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मसावी वांट्स टू गो टू द मार्केट, शी स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस विच इज इन द नॉर्थ, कम्स टू द क्रॉसिंग, जब ये कहा है ना कि घर नॉर्थ में है, इसका मतलब वो साउथ की तरफ चली है, तभी तो घर नॉर्थ में है, राइट, तो पहला जो है वो मूवमेंट क्रॉस साउथ की तरफ होगा, क्रॉसिंग आ गई, द रोड टू हर लेफ्ट, अब इधर आ रही है लेफ्ट, ये है रोड टू हर लेफ्ट एंड्स इन अ पार्क, यहां है पार्क, स्ट्रेट अहेड इज ऑफिस कॉम्प्लेक्स, यहां है ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट, तो बची हुई डायरेक्शन में आप बताओगे मार्केट है, तो बची हुई डायरेक्शन में ये ऐसे ही बताते हैं हम आंसर, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये नॉर्थ है तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है, इधर वाली, ओके, कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, राइट, सी ऑप्शन वेस्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग केसेस क्वेश्चन इन सर्टन कोड लैंग्वेज इफ, ओके ओके, यहां पे अब बता रखा है, ये सिंपल आपको सिंबल चेंज करने हैं और सिंपल ऑपरेशन करने हैं, बॉड मास, प्लस का मीनिंग डिवाइड है, माइनस का मीनिंग, हम यहां पे नोट कर लेते हैं इसको, ओके, प्लस का मीनिंग डिवाइड है, माइनस इनटू इनटू प्लस, माइनस इनटू है इनटू प्लस है, बच कौन सा गया, डिवाइड माइनस है, डिवाइड माइनस है, राइट, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छा ये लिखा ही हुआ है सामने, ओके,
तो यहां पे हम चेंज कर देते हैं, प्लस का मतलब क्या हो गया, डिवाइड, ओ प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, इनटू का मतलब हो गया प्लस, माइनस का मतलब हो गया इनटू, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 5 इनटू 3 15, 4 प्लस 15 19 आंसर। बॉड मास को फॉलो करना है इसमें, इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई पहले होगा, प्लस बाद में होगा, ओके तो 4 प्लस 15 19, 19 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके नेक्स्ट है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, फिर से प्लस का मतलब है डिवाइड और माइनस का मतलब है इनटू और इनटू का मतलब है प्लस, तो कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय ये 3, ये आगे कोई सिंबल मिसिंग है, या तो यहां डिवाइड होगा और डिवाइड का मीनिंग होगा माइनस, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 9 माइनस 1, तो 27 माइनस 1 26 आंसर होगा, राइट 26 आंसर होगा, यहां डिवाइड मिसिंग था, ओके तो नेक्स्ट करते हैं, 26 आंसर आएगा इसका, इजी है, सिर्फ आपको वो चेंज करना है सिंबल, यहां पे भी ये डिवाइड होगा तो 16 प्लस, प्लस को चेंज करेंगे डिवाइड से, माइनस को चेंज करेंगे इनटू से, इनटू को प्लस से और डिवाइड को माइनस से, तो 16 बाय 2 8 इनटू 3 24, 24 प्लस 7 31 माइनस 1 30, 30 आंसर हो जाएगा। बॉड मास सिर्फ फॉलो करना है आपको, राइट ओके ये भी सेम है, वही कर देंगे, प्लस को डिवाइड, माइनस को इनटू और इनटू को प्लस, सो 7 इंटू 5 35 प्लस 8 43, राइट ओके ये और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, राइट ये हमें पता है, ओ अब की बार यहां लगा हुआ है, चलो यहां से देख के बताएंगे, विच रीजन रिप्रेजेंट यंग क्रिकेटर हु आर नॉट सिंगर, यंग क्रिकेटर हु आर नॉट सिंगर, यंग क्रिकेटर मतलब सी और बी, हु आर नॉट सिंगर तो सी, सो सी, यंग क्रिकेटर हु आर नॉट सिंगर सी, ओके सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ओके सो सिमिलरली विच रीजन रिप्रेजेंट ओल्ड क्रिकेटर्स हु आर नॉट सिंगर, ओल्ड क्रिकेटर हु आर नॉट सिंगर, ओके जो यंग नहीं है वो ओल्ड है, तो ओल्ड क्रिकेटर हु आर नॉट सिंगर तो जी, राइट क्या आ जाएगा जी, ओके इसमें जी, तो बी ऑप्शन जी, सो ऐसे आप इसको आंसर कर दोगे, राइट आगे चलते हैं, ये आप कर लोगे आंसर, ये इजी है, राइट सेम करोगे, अब देखते हैं 76th, कह रहा फिगर एक्स एम्बेडेड इन विच ऑफ द, तो ये ढूंढना है ये किस में है, ये वाला पार्ट ऐसे किस में है, राइट वो जनरली साइज आपका यहां बड़ा करके दिखा रखा होता है, वो छोटा होगा बट वो कहीं पे है, वो देखो जरा कहां आएगा, ओके ये तो हो नहीं सकता, राइट नो इसमें वो इधर नहीं जा रहा तो ये तो गलत है, इसमें नहीं लग रहा, इसमें और किसी में देखो, वहां वहां अगर ये कनेक्टेड है, अगर ये कनेक्टेड है जो मुझे लग रहा है कनेक्टेड है तो ये पॉसिबल है, राइट तो ये पॉसिबल है, ये ऐसा वाला फिगर वो वहां पे लास्ट वाले में फोर वाले में, ओके डी यस फोर्थ ऑप्शन, वो वाला जो है वो फिगर ये ऊपर, राइट ये दोनों नीचे लाइन है ऐसे, राइट वो सेम एम्बेडेड है उसमें, ओके तो ये तो काफी आसान होता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एग्जैक्टली ये बनना चाहिए, ये किस में बन रहा है, ये इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, राइट ये जो आ रहा है बिल्कुल सेकंड फिगर में, सेकंड फिगर में बन रहा है, ओके ऐसे ही देख के बताना था, चलो अब है अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट इज मेड एज शोन बिलो, ओके तो ओपन करेंगे क्या बनेगा, तो अब हम मैंने ओके कैसे करते हैं इसको वापस,
देखो ये ऐसे है और फिर फोल्ड किया है इधर और इधर, इसको वापस खोलेंगे, पहले ये वाला पोर्शन वापस खोलता हूं तो ये इधर खुलेगा। ओके जस्ट अ मिनट, इसको वापस खोलेंगे तो ये इधर खुलेगा, ये वाला पार्ट हाफ जो इधर किया है तो वो ये वाला डॉट इधर भी आ जाएगा, और इसको ऊपर खोलेंगे तो ये इधर खुलेगा, ये वाला डॉट इधर आ जाएगा, जो इसने ऐसे फोल्ड किए थे मैंने वापस खोल दिए। अब इसने ये पूरा ऐसे फोल्ड किया था, मैं इसको वापस खोल रहा हूं, वापस खोलूंगा तो ये वाला डॉट इधर भी आ जाएगा, ये वाले डॉट इधर और इधर आ जाएंगे, और ये वाला डॉट इधर आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा कुछ, राइट? ओके, सो यही फिगर बन रही है। फोर्थ, फोर्थ है जो सिर्फ चॉइस बनती है, राइट? फोर्थ करेक्ट होगा। सो डी ऑप्शन। तो आप हमेशा लास्ट से रिवर्स करेंगे वापस ओपन, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखो ये वापस करेंगे, यहां पे इसने ऐसे फोल्ड किया है, उसको वापस करूंगा तो क्या बनेगा, इधर ये खुल जाएगा, ये वाला ट्रायंगल यहां उल्टा हो जाएगा, और वो कट भी है कुछ ऐसे शायद। ओके, अब उसने ऐसे फोल्ड किए थे दोनों, एक इधर एक इधर, सो जब ये इधर फोल्ड किया है इसको वापस करेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा, और अगर ये है तो ये कट भी इधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये कट इधर जाएगा, तो ऐसे ही ये इधर भी आएगा, तो कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट? क्या फिगर है? थर्ड फिगर, थर्ड फिगर बनेगी। ओके, थर्ड फिगर बनेगी, सी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, वन टू थ्री है, वन फोल्ड। ओके, फिर से वही है, फोल्ड वापस। चलो देखें, यहां क्या किया था, ऐसे फोल्ड किया था, तो इसको वापस करेंगे इधर तो वापस इधर आएगा, तो ये वाली चीज ऐसे बन जाएगी। ओके, और उधर ऊपर खोलेंगे तो ये ऐसे ही बन जाएगी। ओके, सो सेकंड फिगर करेक्ट होगी, सेकंड फिगर, तो सेकंड फिगर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, ये आसान है काफी। करेक्ट फिगर अमंग अल्टरनेट टू कंटिन्यू सीरीज, सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे क्या आएगा। ओके, देखें, एक एक उसको पकड़ोगे, एक एक ऑब्जेक्ट को, यहां क्या है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में, ये लेफ्ट में, ये राइट में, अब लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट वाला काट दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, अब दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, इसको, ये ट्राइंगल यहां था उल्टा, फिर सीधा, फिर यहां आ गया उल्टा, अब की बार सीधा होगा, बीच में होगा, सीधा होगा, बीच में होगा, सीधा बीच में, ये आएगा, ये नहीं हो सकता। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक एक ऑब्जेक्ट को लेके टेस्ट करते रहो, सीरीज कैसे चल रही है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट था इसमें, सी। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां देखो एरो है, फिर डॉट है, नहीं एरो नीचे आ गया, फिर एरो ऊपर हो गया, फिर एरो नीचे आ गया, अब एरो ऊपर आएगा, बट एरो की पोजीशन भी राइट में जा रही है। देखो पहले लेफ्ट कॉर्नर पे था, फिर सेंटर पे आ गया था, फिर अब राइट पे हो गया, तो राइट पे ऊपर जाएगा, राइट पे ऊपर। ओके, राइट पे ऊपर, तो यही हो सकता है, कोई और हो ही नहीं सकता, तो सेकंड करेक्ट हो गया सीधा ही, सिर्फ एरो देख के ही मैं सेकंड को करेक्ट कर सकता हूं, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर, फिगर्स लेबल द फिगर शोज मेक कॉमन सीरीज, फाइंड द करेक्ट फिगर फ्रॉम, ओ सीरीज कंप्लीशन का ही है, राइट? इसका आगे क्या आएगा वही बताना है। ओके, देखो एक फिगर में ये वाले फिगर थी, फिर स्क्वायर्ड अप,
ये वाला ब्लैंक स्क्वायर, फिर क्रॉस वाला, फिर ब्लैंक। अब ये लेफ्ट कॉर्नर पे था, ये मिडल में आ गया था, तो राइट कॉर्नर पे आना चाहिए, सेकेंड फिगर आनी चाहिए, बस सेकेंड। ये लेफ्ट पे था, ये सेंटर पे आया, अब राइट पे होना चाहिए, तो राइट पे यही है, तो सेकेंड होना चाहिए। ओके, सो आंसर इज बी। ए एंड बी आर रिलेटेड। ओके, ये एनालॉजी है। सो कैसे है ये और ये कैसे रिलेटेड है, वैसे ही ये और ये रिलेटेड होंगे। ये काफी क्लियर नहीं है, फिर भी देखते हैं। ये एरो, एरो ये इधर, ये इधर, तो ये तो मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज इसकी कौन सी बनेगी, ये इधर हो जाएगा। ओके, फोर्थ बनेगी, फोर्थ बनेगी, फोर्थ ऑप्शन ही होगी मिरर इमेज, बाकी तो बन ही नहीं सकती। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यस डी, राइट। बहुत आसान था ये। ओके, ये देखो, इसमें इसमें भी मिरर इमेज है, नो थोड़ा सा गड़बड़ है शायद कुछ मार्किंग वार्किंग में, बट अदरवाइज मिरर इमेज ही लग रही है। तो इधर मिरर इमेज बनाऊं तो क्या होगा, ये ऐसे आएगी और बॉक्स इधर होगा, बना के देख लेते हैं मिरर इमेज। ये ऐसे आएगी और इस तरफ ऐसे होगा। ओके, ये दोनों ही सेम है, ये तो पॉसिबल नहीं है, सो सेकंड और फोर्थ नहीं होगा। फिर इधर आएगा एक बॉक्स ऐसे, इधर होगा एक बॉक्स ऐसे, ये भी सेम है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जैसी फिगर की हालत है यहां पे, जैसी मुझे तो सेम दिख रही है, ये और ये बिल्कुल सेम दिख रही है। फर्स्ट और थर्ड मुझे यहां अभी देखने में सेम ही नजर आ रही है, राइट। तो कोई भी हो सकती है, चलो आंसर देख लेते हैं, फर्स्ट या थर्ड, ए, राइट। तो आप अगर आपके पास ओरिजिनल पेपर हो कहीं पे, तो आपको पता लग जाएगा शायद इसमें और इसमें कोई डिफरेंस हो कुछ, बट यहां तो कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा, राइट। यहां तो मुझे सेम ही लग रहा है दोनों फिगर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओह, ये फिगर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। इसमें उसमें क्या रिलेशन है, देखो यहां वर्टिकल लाइन थी या हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, राइट। वर्टिकल नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल वाला आएगा, बट ये लाइन इधर थी, ये उल्टी हो गई, ये इधर थी, इधर होनी चाहिए, इधर कौन सी है, शायद ये है, नहीं शायद ये थर्ड, शायद थर्ड, वो क्लियर नहीं है बट मुझे लग रहा है थर्ड, राइट। क्योंकि इधर तो ऐसे दिख रही है, उधर शायद ऐसे है, क्योंकि मुझे उधर चाहिए लाइन। ओके, देखें थर्ड, यस सी ऑप्शन। ओके, तो ये आसान थे, कोई ज्यादा वो नहीं, यहां क्लियर नहीं है थोड़े से, वो इसलिए लग रहे हैं, अदरवाइज बहुत आसान थे। ये दोनों ओवरलैप कर गए बीच में आके, बीच में आके ये दोनों बीच में आएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो दोनों बीच में आके ओवरलैप एक ही तरीके से कर सकते हैं। इधर फर्स्ट ऑप्शन, कोई और तो नहीं दिख रहा, राइट, कोई और नहीं दिख रहा, फर्स्ट ही होना चाहिए। यहां फाइंड द मिरर इमेज, राइट, मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज क्या होगी, इधर होगी, ये थर्ड, थर्ड होगी, राइट, थर्ड ऑप्शन। ओके, मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स, फिर मिरर इमेज बतानी है, इसका मिरर इमेज इधर से आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके, इधर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, फोर्थ, फोर्थ होगा, फोर्थ के अलावा कोई नहीं दिख रही है मुझे, आप चेक कर सकते हो, फोर्थ, यस डी। चलो 90th, फिर से मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होगा, इसके सामने इधर,
एरो और ऐसा, ये सिर्फ एक में ही है, थर्ड थर्ड सिर्फ एक में ही है, ऐसा एरो और जीरो. ओके, सो थर्ड ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द गिवन फिगर, कंप्लीट करनी है, यहां क्या आएगा राइट तो यहां ये सीधा ट्राइंगल ही आएगा. ओके, सीधा ट्राइंगल टू ऑप्शन. ओके, ओ ओ ऑप्शन सी. थर्ड और सेकंड में डिफरेंस क्या है, ये कहां से आ गया, ये तो सेम ही है, मुझे सीधा ट्राइंगल ही चाहिए था बीच में. ओके, आप एक्चुअल फिगर में देख लेना क्या डिफरेंस है, वरना सेकंड और थर्ड अभी तो सेम ही नजर आ रही थी. या हो सकता है लाइंस की डायरेक्शन, अंदर वाली लाइन की डायरेक्शन, क्या पता अंदर कोई लाइन हो, बट यहां नजर नहीं आ रही है राइट तो हो सकता है कुछ सेकंड और थर्ड में डिफरेंस हो, बट इसको कंप्लीट करना था, आएगा कुछ ऐसे ही. ओके, आगे चलो, कंप्लीट द गिवन फिगर, इसको कंप्लीट करना है तो ये सेम ऐसे ही मिरर इमेज, इधर मिरर इमेज बना दो, इसकी मिरर इमेज इधर, तो ये सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही हो सकता है राइट, थर्ड ऑप्शन. ओके, थर्ड, बट थर्ड में वो लाइन नहीं है. तो और कौन सी होगी, थर्ड में वो लाइन मिसिंग है एक. देखो, ये आंसर एक्चुअली मैं कर नहीं पाया, हो सकता है पेपर में मिस्टेक हो, कुछ हो, बट थर्ड में आना चाहिए था, थर्ड एक्चुअल आंसर होना चाहिए था कुछ ऐसा, कुछ ऐसा. अब ठीक है, थर्ड ये होता तो अगर करेक्ट आंसर होता आपका राइट, मैं फिर भी स्टिल थर्ड ही मार्क कर देता राइट, क्योंकि और कोई की डायरेक्शन ही अलग है, डायरेक्शन तो वही होनी चाहिए राइट, अगर इसको कंप्लीट करना है. ओके, चलो नेक्स्ट पे. अब ये देख लो, एरो कहां से कंप्लीट करने हैं आपने, ये एरो इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर. सो प्लेन, प्लेन से स्टार्ट होता है, फिर इसका, इसका मिरर इमेज ही बन गया, तो इसका मिरर इमेज बना दो. इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये जो होगा वो इधर आएगा, प्लेन, प्लेन से स्टार्ट होगा इधर से, और फिर जैसे ये एरो इधर था, वो एरो इधर जाएगा, तो दूसरा एरो इधर जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही होएगा, फर्स्ट ऑप्शन. ओके, ए आंसर, फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट देखो, एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर बतानी है कौन सी है, तो आपको बस सिमिलर देख के बतानी है राइट. जब आपके पास क्लियर फिगर होगी तो आप बहुत अच्छे से देख के बता दोगे राइट. ये थोड़ा स्कैन की हुई है और थोड़ा लार्ज करते वक्त फोटो खराब हो गई है थोड़ी सी, बट ये आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि फर्स्ट फिगर बिल्कुल सेम, बस सेम बतानी थी कौन सी फिगर सेम है राइट. इसमें कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है बिल्कुल सेम जो हो राइट, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर राइट. सो एग्जैक्टली सिमिलर सी बन रही होगी, तो वो आप एग्जैक्ट देखेंगे सेम है तो बस. नाउ वाटर इमेज, वाटर इमेज नीचे करना है, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये इधर वाला पार्ट, ये जो सर्कल आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, नीचे नीचे ब्लैक होगा राइट, नीचे डार्क होगा और ऊपर ऐसे, तो ये वाला, और ये ऊपर की साइड यानी कि यहां ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता. दूसरे वाला उससे उल्टा, उससे उल्टा है राइट, उल्टा ही है, बिल्कुल ठीक है. अब ये जो है सिंबल, ये इधर हो जाएगा ऐसे. ओके, ये भी सब में ठीक है, ये भी ब्लैंक है, दूसरा भी ब्लैंक है, तो ये नहीं हो सकता, ब्लैंक वाले हो सकते हैं. बीच में क्या है ये थोड़ा क्लियर नहीं है, बट फिर भी ऊपर हाफ आएगा क्लियर. ओके, सो ये इसी साइड पे रहेगा, फोर्थ होना चाहिए शायद, आप एक बार चेक कर लेते हैं, फोटो क्लियर होगी तो आप आराम से आइडिया लगाएंगे, फोर्थ बन रहा है.
राइट, वो थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट पे डार्क और राइट पे वाइट, तो यहां लेफ्ट पे ही डार्क होना चाहिए, इसका राइट पे डार्क है, राइट, वो थर्ड और फोर्थ में जो डिफरेंस है, ठीक है, फिगर देख के आपको पता लग जाएगा, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा वो नहीं है। ये देखो इसकी वाटर इमेज, और वाटर इमेज का तो तरीका भी बहुत सिंपल है ना, आप लिख के पेपर के रिवर्स साइड से देख सकते हैं, आराम से दिख जाएगा। तो इसका तो क्या होगा वाटर इमेज, राइट, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये जो है वो ऐसे हो जाएंगे, ये जो है वो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, डी डी सीधा रहेगा, डी सीधा रहेगा, ओ एल एल ए आर ये बनेगा, राइट, ये ठीक लग रहा है, ओके, सो बी ऑप्शन। देन सिलेक्ट अमंग द अल्टरनेटिव विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ डॉट्स इन द गिवन फिगर। ओके, प्लेसमेंट्स ऑफ डॉट देखनी होती है, ये कैसे के स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में डॉट था, किसी और में नहीं था, तो स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच में डॉट होना चाहिए, किसी और के बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसी पोजीशन बन सकती है, डॉट नहीं देगा इसमें, ऐसी बन सकती है कि स्क्वायर और ट्रायंगल में डॉट आए और किसी और में ना आए, ऐसी पोजीशन यहां पे पॉसिबल है, राइट, यहां पे आई डोंट नो वो स्क्वायर कहां दिख रहा है, स्क्वायर और ट्रायंगल में हो और किसी और में ना हो, ये भी पॉसिबल है, राइट, सर्कल और ट्रायंगल में हो डॉट और बाकी किसी में ना हो, सर्कल और ट्रायंगल में हो बाकी किसी में ना हो, राइट, तो यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यहां पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करो तो सर्कल और ट्रायंगल वाला केस इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है कि सर्कल ट्रायंगल में हो और बाकियों में ना हो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रायंगल स्क्वायर के अंदर ही है, यहां पे ट्रायंगल और स्क्वायर में डॉट हो और किसी और में ना हो, तो ट्रायंगल और स्क्वायर में डॉट हो और किसी और में ना हो, तो यहां वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फर्स्ट ही आएगा आंसर, राइट, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ही आंसर होगा ए ऑप्शन, जिसमें वो सारे केस बन रहे हैं, राइट, ताकि सर्कल और ट्रायंगल में आ जाए डॉट बाकी किसी में ना हो, स्क्वायर और ट्रायंगल में डॉट आ जाए बाकी किसी में ना हो, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डॉट आ जाए बाकी किसी में ना हो, सारे केस बन रहे हैं फर्स्ट में, ओके, सेम केस यहां पे आपको देखना है, सर्कल और ट्रायंगल में डॉट हो किसी और में ना हो, देखें जरा एलिमिनेट करें, सर्कल और ट्रायंगल में हो बाकी किसी में ना हो, ऐसा यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि जो सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया है वो स्क्वायर के अंदर है, राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है, सर्कल और ट्रायंगल में हो और बाकी में ना हो, यहां पॉसिबल है, सर्कल और ट्रायंगल में हो और बाकी किसी में ना हो, यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर्कल और ट्रायंगल का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो स्क्वायर के अंदर है, सर्कल और ट्रायंगल में हो और बाकी किसी में ना हो, ये भी नहीं है, तो एक ही आंसर आ गया, टू ऑप्शन, क्योंकि वो एरिया जो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर है वहां भी स्क्वायर के अंदर ही आ रहा है, ओके, सो ऑप्शन होगी टू, राइट, बी ऑप्शन, ओके, फिर से वैसा ही है, अब की बार एक ऐसा केस है जिसमें सर्कल ट्रायंगल और स्क्वायर सब में है, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर सब में, 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 वो तो पोजीशन सबकी है, अब देखते हैं सर्कल और स्क्वायर में हो और बाकियों में ना हो, सर्कल और स्क्वायर में हो बाकियों में ना हो, ये पॉसिबल नहीं है यहां क्योंकि सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ट्रायंगल के अंदर है, सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया ट्रायंगल के अंदर है, सर्कल और स्क्वायर का कॉमन एरिया यहां पॉसिबल है, अब सर्कल और ट्रायंगल ओनली, सर्कल एंड ट्रायंगल ओनली पॉसिबल नहीं है, तो वो आ जाएगा,
फोर्थ आ जाएगा, राइट, डी ऑप्शन। ओके, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। ओके, सो वी हैव गॉट ग्रेट फीडबैक फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स ऑफ एनटीएससी स्कॉलर बैच, थैंक्स फॉर द फीडबैक। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, ये कुछ फीडबैक्स हैं, राइट, आप ये देख सकते हैं, एकांश की, आकिफ की, उत्कर्ष, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक, राइट। ओके, भारतेंदु, सात्विक, सैपी, ओके, यस, यू कैन गो थ्रू द फीडबैक, सो वी हैव गॉट वेरी गुड एंड थैंक्स फॉर ऑल दैट। ओके, ये एनालिसिस वगैरह का आपका सारा टाइमिंग है, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, आप अच्छे से देख सकें। ओके, एंड फ्रॉम ग्रेडअप स्कूल, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो थैंक यू, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, कीप प्रिपेयरिंग विद ग्रेडअप टू स्कोर बेटर, थैंक यू वेरी मच।